डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी तुम्हारा कैंसर कोई जोक नहीं है, ये एक रियलिटी, एक तल्ख हकीकत है, तुम्हें पता है? इट्स नॉट अ जोक। अपने बच्चों के सामने एक नाकाम इंसान, एक फेलियर होने से डरता हूं। उस आने वाले बच्चे की नजरों में अभी से खुद को घिरा हुआ महसूस करता हूं। मैं तुम लोगों से एक बात छुपाई। क्या जान, क्या? ये सिस्कियां हेलो जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, किरण बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, काजिम और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। कब आ रहे हो तुम लोग? इस दफा छुट्टियों में आने का वादा किया था। हाँ अम्मी, वो इस साल तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल कोशिश जरूर करूंगी। किरण बेटा, सब ठीक तो है? तुम्हारे अब्बू की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती किरण, तुम्हें और बच्चों को बहुत याद करते हैं। अगर पैसों का मसला है तो हम भेज देते हैं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम जल्द आने की कोशिश करेंगे। अच्छा वो मुझे ना एक काम से जाना है, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। कहती थी गरीब घर की बहू नहीं चाहिए, पर नहीं, जज साहब ने ऑर्डर दिया, लेक जावी सुमन का घरी सुनाना भी गरीबा घर ची ले आए गरीब की बेटी। बड़े घर की बहुएं अपनी बच्चों को यूं गहनों की दुकान बनाकर नहीं घुमाती। नहीं मम्मी नहीं। अरे सुना नहीं अच्छी ने क्या कहा? अम्मी काजिम अभी तक घर नहीं आए। वो कौन सा मुझसे पूछ के आता जाता है, वैसे आजकल पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है। ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? पहले तो कभी इतनी लंबी लड़ाई नहीं चली। अरे भाई मैं जानती हूँ हम दोनों की कभी नहीं बनती, लेकिन दुश्मन नहीं हूँ मैं तुम्हारी। जब तक मुझे बताओगी नहीं मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? इससे पहले कौन से आपने मेरी कोई मदद की? ताना देने का कोई मौका हाथ से मत जाने देना। जब भी तो काजिम अभी तक नाराज है, वरना बीवी के लिए कौन सा मुश्किल काम है शौहर को मनाना। अच्छा इधर आओ मेरे पास बैठो। अब बताओ क्या बात है? रहने दे, मैं आपसे क्या बात करूं, आप
सिर्फ मुझे बातें ही सुनाएंगी। तुम माँ बनने वाली हो ना? आपको कैसे पता चला? तजर्बा। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है इतना हमारा तजर्बा है। और हमारे जमाने में तो शक्ल देख के पहचान लेते थे। खुशी बनाने के बजाय इस घर में मातम का माहौल क्यों बन गया? काजम अपनी जॉब की वजह से बहुत परेशान है और पैसों की तंगी की वजह से उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, और जो वो मुझसे करवाना चाहते मैं वो कर नहीं सकती। दुख तो ये है हम साथ भी खुश ना रहे, ये तन्हाइयां ये बेताबियां ये सिसकियां ये सिसकियां, ये तन्हाइयां ये बेताबियां ये सिसकियां ये। फिजा मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। आखिर हुआ क्या है सारा? मैंने जरियान के घर वालों को फोन किया था। क्या क्या पता चला? मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। मामला तो कुछ और ही है। जीनिया कोई मासूम बच्ची नहीं है। एन अपनी मंगनी के दिन किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई थी। ओह माय गॉड, रियली? क्या ये यूनिवर्सिटी और बाकी सब सब बहाना है? तुमने जरियान को बताया? कैसे बताऊं, मैंने कन्विंस करने की कोशिश की थी उसे कि तुम अपने घर वालों से बात करो, तो उसने सख्ती से मना कर दिया था। वो मुझसे बहुत गुस्सा होगा अगर उसको पता चलेगा मैंने उसकी बात नजरअंदाज की और जीनिया के फोन से चाची का नंबर लेकर उनसे बात की है। लेकिन जरियान को इस बात का पता चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही उस लड़की का असल मकसद निकलवा सकता है। जानती हूँ, लेकिन ये सब मुझे बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा। अगर जीनिया को खबर होगी ना कि मैं जानती हूँ सब कुछ, आसानी से नई कहानी बना लेगी और जरियान की सारी हमदर्दियां ले जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बहुत चलाक लड़की है। लेकिन सारा तुम्हें कोई ना कोई तरीके से जरियान को समझाना पड़ेगा, उसको अपनी बात का यकीन दिलवाना पड़ेगा। पता नहीं लड़की क्या चाहती है, कहीं ये ना हो कि तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को किसी मुसीबत में डाल दे। अच्छी हसीन जिंदगी गुजर रही थी, तुम्हें क्यों आ गई? Trials. काजिम। वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मुझे तुमसे एक बात करनी है। खैरियत, किरण से फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं समझा नहीं। मैं जानती हूँ तुम अपनी नौकरी की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। किरण ने आपसे कुछ कहा? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सब जानती हूँ। किरण से इस तरह की बात करने से पहले तुमने जरा सी देर भी नहीं सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी? देखो बेटा, बच्चा खुद अपना रिस्क लेकर आता है इस दुनिया में। मैं शायद तुम लोगों के मॉडर्न ख्यालात ना समझ सकूं, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, सदियों पहले भी माँ के जज्बात वही थे और आज भी वही हैं। कोई भी माँ अपनी औलाद के खोने के तसव्वुर से लरज उठती है, कांप जाती है। तुम किरण का इतना सख्त इम्तिहान मत लो। किरण, किरण, तुम्हें और कोई नहीं मिला जो अम्मी से मेरी शिकायतें लगाना शुरू हो गई तो? क्यों, मैंने क्या कह दिया ऐसा? क्या कह दिया? उन्हें कैसे पता ये सब? वो क्यों मुझसे कह रही है कि आने वाला बच्चा अपना नसीब साथ लेकर आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। उनको पहले से पता था, लेकिन हाँ जब उन्होंने मुझसे पूछा ना तो मैं झूठ नहीं बोल सकी। वाह, क्या कहने, बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है, हमदर्द हो गई है वो तुम्हारी। किरण, मैंने सख्ती से मना किया था कि इसके बारे में किसी को मत बताना। घोट रही थी अंदर से मैं। तुम्हें कोई एहसास भी है कि मैं अंदर से किस तरह फील कर रही हूं? बिल्कुल अम्मी की तरह बोल रही हूं। अच्छा, अच्छी बात है, आखिरकार तुम्हें अम्मी की मोहब्बत हासिल हो ही गई। अब दोनों मिलकर आराम से मेरी बुराइयां करना सारा सारा दिन, तुम्हारा तो दिल भी हल्का हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम काजिम? क्या हो गया है तुम्हें?
हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मुझे इस बारे में मजीद बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो ना काजिम। क्यों? तुम सबके सामने मुझे बुरा दिखाना चाहती थी, लो कामयाब हो गई तुम। मैं मानता हूं मैं बुरा आदमी हूं, हां मैं हूं बुरा आदमी। जीत गई तुम किरण, तुम जीत गई। कैसे कह सकते हो तुम ये काजिम? मैं तो हार गई, मैं तो सब कुछ हार गई। हेलो, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी। चलो अच्छा है। सारा मेरी जरा पैकिंग कर देना, मुझे सुबह सुबह इस्लामाबाद जाना है 5 दिन के लिए। कल? हाँ कल सुबह। वो जरियान और दूसरी बात ये कि बच्चों से मैं मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि सुबह अर्ली निकलना, जब उठेंगे तो मेरी उनसे बात करवा देना। वैसे आई एम वेरी हैप्पी, जीनिया जो है वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। शुरू में थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगा लेकिन अब मुझे लगता है कि शी इज़ फाइन नाउ। थैंक यू। किस बात का? जीनिया को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं जानता हूँ कि किसी भी औरत के लिए ये काम बहुत मुश्किल था लेकिन तुमने मेरी खातिर उसे अपनाया। यकीन करो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। सारा, मेरे दिल पर एक बोझ था, मैं एक एहसास जुर्म में जी रहा था, अब वो आ गई है, मैं बहुत खुश हूं। थैंक्स। तुम कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, वो डाइस कौन सी रखूं? हमेशा तुम ही पैकिंग करती हो, कुछ भी रख दो पहन लूंगा। हेलो। हाँ बाबर, सुबह की फ्लाइट जरा कंफर्म करवा लेना। ओके। गुड मॉर्निंग एलिज़े। हाय, बैठो। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मेरा किसी के साथ भी किसी भी किस्म का कोई अफेयर नहीं चल रहा और इस नाश्ते का कोई भी खास मकसद नहीं है। ओके एलिज़े, डॉक्टर का फोन आया था, उसने तुम्हारे हॉस्पिटल आने पे इंसिस्ट किया। तुम इस तरह ट्रीटमेंट छोड़ के नहीं बैठ सकती। अच्छा, तो ये मकसद था नाश्ते का। अलीजे, ये तुम्हारा बहुत जज्बाती फैसला है। हर डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और मिसहैप के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन चांसेस हैं तो सही ना? कम ऑन अलीजे, प्लीज। सैन, तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे उनके साथ खेलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए याद रखें। मशीनों के सहारे में जीना नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के जहन में अपनी माँ की आखिरी यादें इतनी खौफनाक हों। पता नहीं अलीजे, तुमने अपने जहन में क्यों बिठा लिया कि तुम इस बीमारी से नहीं जीत सकती। Why? कोशिश की है मैंने, बहुत बार की है लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरा जहन इसी फैसले पे आकर रुकता है। अलीज़े, ज़ेन प्लीज, इसे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। कितने अरसे बाद हम साथ नाश्ता कर रहे हैं, इस रोमांटिक मोमेंट को दवाइयों, अस्पतालों और
सर्जरी की बातें करके स्पॉइल तो मत करो। यही हमारी वेकेशन है। इस एक लम्हे में सिर्फ मैं हूं और तुम। मुझे इस लम्हे में जीने दो। Here you are. Thank you. Welcome. तुमने बताया नहीं तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो डिपेंड करता है। किस पे? देखो शिजा, मैंने तुम्हारे बारे में अमेरिका में बहुत सोचा है। क्या तुम अपनी जिंदगी अकेले गुजारना चाहोगे? नहीं शिजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? कहां जा रही हो? बाहर। बाहर कहां? शॉपिंग के लिए। गार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। मैं यहाँ करीबी बाजार जा रही हूँ, मुझे गार्ड की जरूरत नहीं है। मगर जरियान ने मुझे सख्ती से कहा है कि बच्चियों के साथ और तुम्हारे साथ गार्ड जरूर जाएगा। और मैंने गार्ड को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि चाहे मैं घर पे हूँ या नहीं, वो तुम्हारे साथ जाएगा। डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अलीजे ने तो सर्जरी से साफ इनकार कर दिया है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों को सारी बात समझा चुकी हूँ, फिर भी वो ऐसा कर रही है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ सर्जरी आपके लिए आइडियल ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस टाइम यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर भाव यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे अपॉइंटमेंट लिया है। प्लीज़ अलीजे को समझाओ, वो अपने साथ दुश्मनी कर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर, कोशिश कर रहा हूँ। हाय जैन, तुम यहाँ? सब खैरियत? सब खैरियत नहीं है मेरे दोस्त, अलीजे की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर्स ने उसको कैंसर डायग्नोज किया। What? मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अलीजे को कैंसर। मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ तलाल। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो ठीक नहीं था। I'm sorry. मैं तुम्हें बहुत गलत समझा था। It's okay. मैंने बहुत सोचा इस पर। शायद मेरी भी गलती है। मुझे लिहाज करना चाहिए था। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। सब कितना बेमानी लग रहा है अब। हर लड़ाई पर नाराजगी, सब इख्तलाफात बेमकसद लग रहे हैं। अच्छी तरह वाकिफ हूँ इस एहसास से। मुझे अलीजे ने बताया था कि तुम्हारी वाइफ को भी कैंसर था। हाँ, आखिरी स्टेज में पता चला। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। वो मुझसे दूर जा रही है तलाल, और उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है, मैं जब भी घर में दाखिल होता था ना, तो अलीजे ने हर चीज सजाई होती थी और
मैंने उसे कभी स्पेशल नहीं फील होने दिया। तुम्हें पता है थला, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चों को कौन सी चीज से एलर्जी है, उन्हें खाने में क्या पसंद है, उनकी की सालगिरह कब है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र काम और पैसे में तवज्जो दी। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो आगे निकल गया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे। तलाल, मेरा घर उसके बगैर नहीं चल सकता, हम सब उसके बगैर नहीं चल सकते। मैं उसके बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। तलाल, तुम उसके दोस्त हो, तुम उसे समझाओ प्लीज, उसे बताओ कि उसे जिंदगी से लड़के वापस आना है। तुम उसे समझा सकते हो, प्लीज उसे वापस मेरे पास ले आओ प्लीज। I will try. क्या तुम अपनी जिंदगी अकेले गुजारना चाहोगे? नहीं। क्या तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? जरमीने, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मामा। जरमीने, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मामा, मुझे उसका फोन आया था। किसका? हसीब का। पता नहीं उसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया और वो मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि वो तलाक देने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं से भी ढूंढ लेगा मुझे। क्या? ओह गॉड जरमीने, फैसल ठीक कह रहे थे, तुम्हें उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवानी चाहिए थी, तभी उसकी बात समझ में आती। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। जरमीने, डरने की कोई बात नहीं, समझ में आई? प्लीज बी काम, हम सब तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, जस्ट काम डाउन। आओ मेरे साथ, मैं फैसल से बात करती हूँ। देखो अलीजे कौन आया। आओ। तलाल मुझे हॉस्पिटल में मिला था, तुम्हारा सुना तो बहुत परेशान हो गया, घर आना चाहता था, मैंने कहा आ जाओ बैठो। तलाल। सलाम। कैसी हो अलीजे? मैं ठीक हूँ। अम्मा। तुम चलो, मैं देखता हूँ। बल्कि आप लोग बातें करें, मैं अभी आता हूँ। जी बेटा। बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं बच्चे, याद करते हैं आपको बहुत। शान भी आप सबको बहुत याद करता है। जैन की मुलाकात आपसे हॉस्पिटल में हुई, खैरियत तो थी? हाँ, रूटीन चेकअप। मुझे वहां आपका पता चला तो आपसे मिलने चला आया। उसे इस तरह आपको सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। बहुत परेशान है,
इस हादसे ने जहन को बिल्कुल बदल दिया है। पता नहीं हम मर्दों को बदलने के लिए एक शौक की जरूरत क्यों होती है। मुझे पता है वो आपको यहाँ क्यों लाया। उसे आपकी फिक्र है। आप जानती हैं अलीजा कि मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूं और जहन की तकलीफ को अच्छी तरह समझ रहा हूं और आपकी भी। डर खौफ गुस्सा अजीब कश्मकश। तुम जानती हो जब मेरी वाइफ का कैंसर डायग्नोस हुआ था हमारे पास सिवाय उसके जाने के इंतजार के और कुछ भी नहीं था। किस तरह दिन लम्हों में गुजर गए। बहुत सी बातें करनी थी लेकिन अनकही रह गई। हमारे पास इस खौफनाक इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन है। ये सर्जरी इतनी सिंपल नहीं है। जानता हूं मैं। तुम जानती हो आखिरी दिनों में मैं पागलों की तरह डॉक्टरों के पीछे भागा इधर से उधर। शायद कोई रास्ता निकले। मैं उसको कुछ दिन और अपने पास रख लूं। और वही तकलीफ मैंने जहन में देखी है। तुम्हारे पास इस बीमारी से लड़ने का मौका है और तुम हार मान रही हो। क्योंकि मैं मरने से पहले अपने बच्चों को अपने गले लगाना चाहती हूँ। ये मौका ना मिलने का ख्याल भी मेरा दिल दहला देता है। तो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारो, जहन के साथ वक्त गुजारो, उनके प्यार को महसूस करो, उनकी प्यार की शिद्दत को महसूस करो। यही तुम्हें हिम्मत देगी। तुम जानती हो कि अनम को अगर एहसास होता ना कि उसके पास 1% चांस भी है कुछ वक्त और मेरे साथ और शान के साथ गुजारने का तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। जहन और बच्चों के पास जाओ अली से, उनके साथ वक्त गुजारो। यही हिम्मत तुम्हारी हमसफर बन जाएगी। उस मौत ने मुझे हरा दिया था। अपने शौहर को हारने मत दो प्लीज। Cannot ask. 5 feet 10. Wow. आप क्या पढ़ रहे हो? 5 feet 10. Okay. I heard squeeze. बच्चे कमरे में सोने की जिद कर रहे थे। मैंने मना नहीं किया। अम्मा बाबा ने पहली बार अपने रूम में सोने की इजाजत दी है। कितना मजा आएगा। बाबा ने कहा हम मूवी भी देखेंगे। ये चलो जल्दी से ये चैप्टर खत्म करो। और आप क्या कर रहे हो बिलाल? हाँ? क्या कर रहे हो आप बताओ मुझे जल्दी से। कहाँ तक पढ़ा आपने हैरी पॉटर? मैंने तुमसे उस वक्त ही कहा था कि अमेरिका जाके उसके खिलाफ चार्जेस को रिपोर्ट करते हैं। तुम नहीं जानते इन लोगों को, ये लोग मेंटली सिक होते हैं।
अगर हमने अभी फौरी एक्शन नहीं लिया तो वो इसी तरह जरमीने को तंग करता रहेगा। मैंने जरमीने से बात की है, वो बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन इस हरकत के बाद वो वहां जाने के लिए काफी हद तक तैयार हो गई है। That's good. That's very good. क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप वहां के वकील से सारी तफसीलात ले लें, फिर उसी हिसाब से हम प्लान बना लेते हैं। ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके तुम्हें बताता हूँ। ओके ठीक है, टेक केयर। हेलो फैसल। हेलो, कैसे हो? तैमूर अंदर आओ। आओ तैमूर। लगता है कि फैसल को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग जरमीने के बारे में परेशान हैं। अच्छा, क्यों, सब खैरियत? मैंने तुम्हें बताया था ना उसके एक्स हस्बैंड के बारे में, वो उसे कॉल कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है उसे। तो अब क्या करने का रहा था? यही डिस्कस करने फैसला आए थे। आई थिंक कि हम दोनों को वहाँ जाना होगा कुछ एक्शन लेने के लिए। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वहाँ पे वकील है, उसे मैं मशवरा कर सकता हूँ और कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। थैंक यू तैमूर। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि तुमने भी अमेरिका जाना ही है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे निकाह कर लें। निकाह? तो इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? मतलब तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं तैमूर, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट के भी जरमीने बहुत परेशान है और उससे ये बात करना नामुनासिब होगा। तुम्हारे लिए वक्त तो कभी मुनासिब रहा ही नहीं है, या मैं तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं रहा? प्लीज तैमूर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरमीने के बारे में परेशान हूँ। और पिछली बार तुम हैदर के क्राइसिस के पीछे चल रही थी। देखो शिजा, हम इस उम्र में ये फैसला कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और होंगी भी, लेकिन अगर हमें एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करना है तो हमें खुद एक मुनासिब वक्त निकालना पड़ेगा। मैं बार बार तुमसे मायूस नहीं होना चाहता शिजा, मैं 2 हफ्ते में वापस जा रहा हूं, तुम फैसला कर लो, तुमने वाकई अपने लिए जीना शुरू कर दिया है या अब भी औरों के लिए जीना चाहती हो? जब तुम्हें जवाब मिल जाए इसका शिजा, तो प्लीज मुझे बता देना। ओके? सर्जरी? लेकिन तुमने तो कहा था कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। हाँ, हम भी यही होप कर रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट अब मुझे असर नहीं कर रहा। सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। इतना घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन 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 है तो सर्जरी ही ना, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा। मैं कह ये चाह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग मेरे बच्चों का ख्याल तो रख लोगे ना? बातें कर रही हो अलीज़े, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती बच्चे मेरे पास रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, तुम्हारे अपने घर में इतने लोग हैं ना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बच्चों को रखूंगी। अलीज़े, मैं तुम्हारे बच्चों को रखूंगी, बिल्कुल फिक्र मत करो। आई मीन इट। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? खबरदार जो तुमने आइंदा कोई ऐसी बात की भी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इंशाल्लाह, हम सब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। हाँ इंशाल्लाह।
और वादा करना होगा तुम लोगों को मुझसे। बोलो। कुछ भी, नो क्वेश्चंस। मुझसे अस्पताल मिलने कोई नहीं आएगा। मैं आऊंगी ना वापस। ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हाँ, तुमसे, तुम्हारे सेहतमंद सेल्फ से हम तुम्हारे घर में मिलेंगे। ओके, ठीक है, ऑलराइट। मैं कॉफी बनाती हूँ। मैं बना कर लाती हूँ। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ कॉफी। मी टू, थैंक्स। काजिन फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं अपना? शायद काजिन का ही फोन हो। नीलोफर को बुलाती हूँ, तुम मेरे साथ अस्पताल चलो, ठीक है? मैं नीलोफर को बुलाती हूँ, नीलोफर को बुलाती हूँ। सिज़ैन, आपको सर्जरी के लिए लेके जाना है। 5 मिनट और चाहिए अपनी फैमिली के साथ। ओके। अम्मा, अब ठीक हो जाएंगी ना? हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। थक जाऊंगी ना सर्जरी के बाद। क्या आप दोनों तो मेरे ब्रेव बच्चे हो ना, है ना? अपना ख्याल रखना, पापा को तंग। हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम सबके साथ बिहेव करेंगे। अब जल्दी से ठीक हो जाए अम्मा। अम्मा को हग नहीं कर। अलीज़े, बस कुछ कहना मत ज़ैन, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आती हूँ ना, ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे बहुत कुछ कहना है तुम्हें। You'll be okay. Don't worry.
तुम्हारे लिए वक्त तो कभी मुनासिब रहा ही नहीं है, या मैं तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं रहा। मैं बार बार तुमसे मायूस नहीं होना चाहता शिजा। मैं 2 हफ्ते में वापस जा रहा हूं, तुम फैसला कर लो। तुमने वाकई अपने लिए जीना शुरू कर दिया है या अब भी औरों के लिए जीना चाहती हो? जब तुम्हें जवाब मिल जाए इसका शिजा, तो प्लीज मुझे बता देना। ये सिसकियां। मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पे बेटी बनाकर रख लेंगे। मैंने सोचा कुछ पैसे देकर मुझे रवाना कर देंगे और हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। Then, डॉक्टर, अलीजे कैसी है अब? डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। जलती रही।